देखो शालिन, तुम बहुत जल्द मेरे घर की बहू बनने वाली हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी हो और बनती बात बिगड़ जाए। करीना दी तुम्हें खुद लेने आ रही थी, लेकिन मैंने ही दी को रोक दिया। मैं चली आई तुम्हें लेने के लिए ताकि हमें बात करने का एक मौका मिले। बात शुरू हुई थी करण की गिरफ्तारी से और आके खत्म हुई तुम्हारे अफेयर पे। आखिर सच क्या है शालिन, मुझे बता दो, मैं नाराज नहीं होंगी। क्या सच में तुम्हें कोई और पसंद है? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कि ऐसे तो नहीं कि करीना दी और तुम्हारी मम्मी तुम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पुत्र, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं नाराज नहीं होंगी, उल्टा मैं तेरी मदद करूंगी। सच क्या है बता पुत्र, सच क्या है, मैं तेरी हेल्प करूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रीता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसने आप सबके मन में मेरे लिए जहर घोल ही दिया ना। प्रीता ने कुछ गलती नहीं की है, उसने कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारा अफेयर किसी के साथ ना हो पुत्र, और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो, एक गलतफहमी हो, बस और कुछ नहीं। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली खुद से बात कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और हमें जाना भी तो है ना। That's it। पगली कहेंगी, शादी के पहले ही खुद से बात करनी शुरू कर दी। ठीक है चले। जी मेरा पर्स ले ले। हाय रमा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना पुत्र? मेरा पर्स। मैं लेके आती हूँ, संभाल। चले, तबीयत ठीक तो है ना? चल। ये सब लोग तो मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कि मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली है। मन तो कर रहा है अपना सारा गुस्सा इन पर यहीं निकाल दो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो प्लान के मुताबिक चलना पड़ेगा ना। बेचारी सी एक अच्छी संस्कारी घर वालों की इज्जत करने वाली लड़की बनकर रहना होगा। उन लूथरास को ना किसी भी तरह वहां रोक के रखो, मेक श्योर कि वो लोग घर से बाहर जल्दी ना जाए। हाँ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का क्या करना है। इसलिए ड्रामेबाज तो ये नौटंकी है। आराम से, आराम से। शैलिन, तुम ठीक हो ना? I'm sorry, मेरी वजह से आप सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। प्रीता तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी, लेकिन इसने जो मुझ पर आज इल्जाम लगाया उसकी वजह से मुझे और आप सबको कितना स्ट्रेस हो रहा है। I'm really sorry। शालिन, तुम स्ट्रेस मत लो, यहाँ पर किसी को कोई स्ट्रेस नहीं। अगर किसी को किसी बात पर कोई शक है तो सच्चाई जानकर क्लियर किया जा सकता है। ऋषभ जी,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके और मेरे बीच में ऐसी शक की दीवार खड़ी होगी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम ही हो। आज तुम्हारी वजह से करण जेल में है। ऋषभ और शर्लिन के बीच में जो दरार पड़ी है ना, उसकी वजह भी तुम ही हो। वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने। कितना स्मार्ट मूव खेला है। शक का बीज बोकर दूसरों की हस्ती खेलती दुनिया को उजाड़ना चाहती हो तुम। देखो, अब ऋषभ भी यही कह रहा है कि जब तक वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देख लेता, वो शर्लिन पे विश्वास नहीं करेगा। मम्मा, ये भी तो हो सकता है ना कि सीसीटीवी फुटेज देखकर जो प्रीता कह रही है वो सही हो। प्रीता कभी भी भैया और शर्लिन का रिश्ता खराब नहीं करेगी। उसने कुछ देखा है तभी उसको डाउट हुआ है ना। ठीक है ना मम्मा, हम जाके देख लेते हैं। फुटेज देख के पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि तुम्हें हमेशा से प्रीता पसंद थी, मैं नहीं। Enough, Shalin, enough, enough. You can't insult my family like this. अगर तुम्हें क्लब चलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं हमारे बीच का ये रिश्ता यहीं तोड़ने के लिए तैयार हूं। ऋषभ, बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा तुमने। क्या ये प्रीता के लिए तेरा विश्वास है या कुछ और बात? ओह नो, अब कहीं ऋषभ सबके सामने अपनी दिल की बात ना बोल दे। महिषी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या मतलब है आपका? बोलना बेटा, ये प्रीता के लिए तू शर्लिन से रिश्ता तक तोड़ सकता है, ऐसा क्या? डैड एकदम सही कह रहे, मेरी फीलिंग्स आपके लिए विश्वास से बहुत बढ़कर, वो है रिस्पेक्ट की फीलिंग्स। आपकी सच्चाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ प्रीता जी, और डैड मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि प्रीता गलत है। सरला जी ने एकदम सही कहा, अगर प्रीता जी ने कहा है उन्होंने शर्लिन को देखा है, मीन्स देखा है, दैट्स इट डैड। अगर गलतफहमी हो भी गई तो हम लोग क्लब जाकर फुटेज चेक कर रहे हैं ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें बार बार इंसल्ट करने की क्या जरूरत? दोस्त है मेरी, मेरे सामने उसकी कोई भी इंसल्ट करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल गेट दिस राइट एंड स्ट्रेट, तुम मेरी बीवी जब बनोगी तब बनोगी, प्रीता मेरी दोस्त है रहेगी। मैं बार वेट कर रहा हूं। कहां लगाए होंगे इन लोगों ने सीसीटीवी? पहले यह तो पता करूं कि यहां कैमरास लगे भी है या नहीं। एक काम करता हूं, इस वेटर से पूछ लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की नजर में नहीं आना है। जो भी करना है बहुत संभाल कर करना है। सुनो, ये कॉन्फ्रेंस हॉल किस तरफ है? सर, आप वहां से राइट लीजिएगा, लेफ्ट साइड में सबसे पहला रूम। अरे यार, ये बंदा तो बोले ही जा रहा है और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। मुझे इस वेटर से अभी इसी वक्त बात करनी होगी। एक्सक्यूज मी, ये क्लब का सीसीटीवी रूम कहाँ है? वहीं पर जहां पर मॉनिटर्स लगे हुए हैं। सर आप कौन से? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तुम्हारे क्लब में जो कांड हुआ है ना, वो करण लूथरा ड्रग रैकेट केस, वो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। ओके सर, आपको उस तरफ पड़ेगा सर। थैंक यू। ओह गॉड, ये ऋषभ के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा है
कि वो चाहता है कि प्रीता की बात सही निकल जाए। ऋषभ तो चाहता है कि उसका और मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन लेकिन तुम मेरे पुन्नों को जानते नहीं ऋषभ लूथरा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम और प्रीता के सारे सपोर्टर, देखना कि मैं प्रीता को कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। यू गाइज वेट एंड वॉच। ओ गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे इन लोगों को और लेट कराना था। क्या करूं क्या करूं। ओ हाँ, गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी आ रही है। ऋषभ गाड़ी रोको बेटा। मैं जाती हूँ, एक मिनट दी, मैं जाकर देख रही हूँ। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना सैंपल दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। चले। हेलो, ये वॉमिटिंग की आवाज निकाल निकाल के भय भय करके तुम्हारा गला सूख गया होगा। ये लो पानी, ठंडक मिलेगी। चले, यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने ठीक कर दिया, मेरा मतलब मैं और भी ठीक कर सकती हूँ, लेकिन हमें लेट हो रहा है ना ऋषभ जी, प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। शर्लिन, ये लो लेमन टॉप। दोबारा वॉमिट आ गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, रख लो। ओह गॉड, क्या सरदर्द है ये लोग। अब मैं इनको ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। होप मेरे पुन्नों को फुटेज मिल गई होगी। बताइए क्या का इंचार्ज कौन है? क्या हुआ सर? तुम्हारे क्लब में जो कांड हुआ था, मेरा मतलब है आज जो रेट पड़ी थी, उसका सारा फुटेज मुझे चेक करना है। किसी कॉलेज की रियूनियन पार्टी थी, उस पार्टी का सारा फुटेज मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद वो सारा फुटेज तुम मुझे दोगे। दैट अरे फास्ट। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, जानता है मैं कौन हूँ, पुलिस वाला हूँ मैं, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, फास्ट। ठीक है सर, ऐसा है तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। व्हाट डू यू मीन आईडी कार्ड दिखाइए? जब जीता जागता पुलिस वाला तेरे सामने है तो आईडी कार्ड का क्या करेगा तू? और सुन, मुझे कोई मामूली पुलिस वाला मत समझना, सीबीआई ऑफिसर हूं मैं, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे, और जिस चीज का फुटेज मांग रहा हूं ना, वो कोई मामूली केस नहीं है, ड्रग्स का मामला है। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, कॉर्पोरेट नहीं तो जेल के अंदर डालूंगा तुझे मैं। आप तो सर, आप अपना कार्ड दिखाइए, आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, बस आपके कहने से थोड़ी ना मानूंगा, ऐसा तो कोई भी अपने आपको पुलिस वाला बताएगा। आप सही कागजात दिखाइए, मैं आपकी छानबीन में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बंदा बहुत अड़ियल है, ये मुझे फुटेज नहीं दिखाएगा, ये कमीना सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। Listen, this is my last warning to you. मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, फुटेज अभी के अभी मुझे दो, फास्ट। ये आदमी तो पुलिस वाला हो ही नहीं सकता, वरना आईडी दिखाने में 2 सेकंड लगते। सर आप इस रूम के बाहर चले जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए रुक जाइए, रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुके, छोड़, रुकिए, छोड़ मुझे, सिक्योरिटी अंदर कर दूंगा, सिक्योरिटी। दरवाजा खोलो।
मिल जा डैम फुटेज। सिक्योरिटी क्या हुआ? अरे देखो कौन घुस गया अंदर, जल्दी। कौन घुस गया? तोड़ इसको। सुन, तेरा नसीब बहुत अच्छा है कि अंदर पार्टी चल रही है। पुलिस को बुलाने के चक्कर में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो तुझे मैं अभी कभी अंदर करवा दूंगा। और खबरदार जो यहाँ दिखा तो दोबारा इसे अंदर घुसने मत दो। मैं एक मिनट आया। वेयर्स मैनेजर? ऊपर। रेड मैनेजर यहाँ पर नहीं है, मैं ऊपर देख के आता हूँ। एक बार चेक इट। मिस कमिंग। एक्सक्यूज मी जी, मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। ओके। बहुत पछताओगी प्रीता, मैं निर्दोष हूँ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? किसके सामने एक्टिंग कर रही हो? सब लोग तो चले गए और मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हग करते हुए देखा है मैंने। तुमने करवा चौथ का व्रत भी रखा था ना उसके लिए? इनफैक्ट उसी के हाथों से तुड़वाया भी था। अरे तुम खुद इतनी घटिया हो और सबके सामने मुझे बुरा बनाने की कोशिश कर रही। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो ऋषभ जी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो बताओ? तुम अपनी गलतियां तो एक्सेप्ट करोगी नहीं, लेकिन मैं और करण तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारा असली घटिया चेहरा लूथरा फैमिली के सामने आ जाए, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अच्छा है कि महेश अंकल ने आज मुझे कहा कि अगर मैं चुप रही तो करण को नुकसान पहुंच सकता है, और मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बोल दी। अब बस कुछ ही समय तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा सबके सामने खुल जाएगा। शर्लिन, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर सकी, लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास है ना, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से कैप्चर किया है। बस अब कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा सारा पर्दाफाश होने वाला है। टाइम इज अप। वो मैनेजर बोल रहा है कि उसके पास परमिशन ही नहीं है फुटेज दिखाने के, तो हमको वी नीड टू स्पीक टू दिस मॉनिटर इन चार्ज। ओके। हट किधर? अंकल को कोई फोन आया था तो वो यहां अटेंड करने गए। मैं हम लोग इधर चलते हैं पहले। हाँ, ठीक है, लेट्स बेटर। ओ गॉड, ये पृथ्वी का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? पता नहीं वो सीसीटीवी का फुटेज मिटा पाया भी है कि नहीं। शैलिन, यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े? चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। हाय, माय नेम इज ऋषभ लूथरा। वो करण लूथरा जो कि ड्रग पोजीशन केस में अरेस्ट हुए हैं ना, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। एक्चुअली हम सब लोगों को पूरा यकीन है कि उनको जानबूझकर फंसाया गया, उनकी जेब में ना किसी ने वो ड्रग्स डाल दिए थे, तो ऐसा कुछ है नहीं। वी जस्ट नीड द फुटेज, द सीसीटीवी फुटेज। प्लीज आप हमें वो फुटेज दिखा दीजिए। शैलिन, अपना पसीना पोंछ। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा डर साफ दिखाई दे रहा है। अगर रुमाल नहीं है तो दे दूं? देखिए मिस्टर लूथरा, मैं समझ सकता हूँ फुटेज मांगने की आपकी वजह सही है, लेकिन इस तरह से हर किसी को फुटेज दिखाना हमारे क्लब के रूल्स के खिलाफ है। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। सर, किसी बेकसूर की जिंदगी का सवाल है। सर, उसे कुछ भी नहीं किया था और उसे पकड़ लिया गया है झूठे इल्जाम में। आप चाहे तो सिर्फ हमें एक बार फुटेज प्ले करके दिखा दीजिए, हमें कॉपी वापी कुछ नहीं चाहिए। हम एक बार देख तो लें कि आखिर हुआ क्या था। सर, मेरी सच्चाई पर सवाल उठाए सर, प्लीज। आई एम सॉरी।
कि मैनेजमेंट से मैं बात कर लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी जॉब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट प्लीज एक बार दिखा दीजिए सर, सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आपके घर में माँ बहने बेटियां तो होंगी ना? एक मिनट, आप तो अच्छी तरीके से समझते होंगे कि एक औरत के लिए उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी कितनी मायने रखती है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे ऋषभ, प्लीज सर। क्या इनके कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके कारण ये लोग हमको फुटेज नहीं दिखा पा रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रिलैक्स, देखेंगे, हम पूरी फुटेज देखेंगे, टेंशन मत लो।